जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि बच्चे कभी भी खाने की किसी भी चीज की ऐसी डिमांड कर देते हैं कि अभी ही बना के दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, अभी चाहिए, और चटपटा चाहिए, बाहर के नाश्ते जैसा टेस्ट वाला चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये नाश्ते की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा और घर के ही सामान से बनेगा। और हम भी चाहते हैं सुबह सुबह कि बच्चों को कुछ हेल्दी नाश्ता दें ताकि उनकी एनर्जी दिन भर अच्छे से वो हेल्दी रहें। तो आइए देखते हैं ये नाश्ता किससे बनता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी चावल का आटा। इससे बना रही हूँ फ्रेंड्स तो हेल्दी है बहुत ज़्यादा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रेट किए हुए आलू। तो ये आलू को मैंने ग्रेट करके पानी, 2-3 पानी से धो के इनका स्टार्च निकाल दिया था। ये आलू डाल दिए हैं और मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, ग्रेट किए हुए लहसुन 3-4 कली लहसुन की डाल दी है। ये मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, हरी मिर्ची डाल रही हूँ, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के लिए बना रहे तो कम डालिएगा। ये करी पत्ते डाल दिए हैं बारीक कट करके, और हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा। ये डाल रही हूँ ड्राई मैंगो पाउडर खटास के लिए, तो अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। तो मिर्ची मैंने कम डाली है फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये नमक डाल दिया है, नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया है इसमें। और अभी इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। ये हाथ से अभी मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होएगा, चम्मच या फिर फोक या किसी से और से हम मिक्स करेंगे ना तो ये बराबर मिक्स नहीं होएगा। सूखे आटे में हम मिक्स कर रहे हैं सब मसाला आलू वगैरह, तो हाथ से मैंने मिक्स कर दिया है इसे। अब मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी डालना है, और जैसा मुझे ये नाश्ता बनाना है उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल के, और उतना मैं इसे गाढ़ा या पतला रखूँगी, जो आप आगे देखिएगा कि मुझे कितना गाढ़ा चाहिए, वैसा मैं इसे पानी डाल के और मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए ये लम्स फ्री बन जाएगा। और आलू के पराठे हम जब बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत मेहनत लगती है। आलू को उबालो, छीलो, उनको फिर मैश करो, फिर मसाला बनाओ, उसमें आलू डालो, आटा गूंद के रखो। तो ये तरीका अगर आपको आलू के पराठे खाने हैं ना, तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बच्चों को सुबह सुबह जल्दी का काम रहता है, उसमें हम बना नहीं सकते इतना जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो ये हेल्दी नाश्ता आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत जल्दी भी बन जाएगा और सुबह की जल्दबाजी में आप इसे फटाफट मिक्स भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये एक पैन ले लिया है, डोसा पैन ले लिया है, और उसमें मैंने तेल लगाया है। अगर आपको हेल्दी ऐसा चाहिए तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं छोटी छोटी टिक्की बना रही हूँ, अगर आपको इसमें टाइम लग रहा है, और अगर आप बच्चों के टिफिन में रख रहे हैं तो छोटी टिक्की बना के रखेंगे तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, कुछ अलग नया देख के कि छोटी छोटी टिक्की बनाई है। या फिर आप इसे बड़े बड़े पराठे में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें पलट दिया है, ऊपर भी थोड़ा सा मैंने 1-2 बूंद सब पे, तीनों पे तेल डाला था, और फिर मैंने इन्हें पलटा है, तो ये सिक गए हैं अच्छे से। और इन्हें मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, और ये दूसरी तीसरी बार के भी मैंने बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट, बहुत नरम बनते हैं ये और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप अगर इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सुबह की जो चाय के साथ हमको कुछ नाश्ता समझ में नहीं आता है, तो आप ये ज़रूर बना लीजिएगा। या शाम को जैसे छोटी मोटी भूख लगती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, तो फटाफट बनाने के लिए आप रेडी करके रख सकते हैं, और जल्दी से जैसे ही बच्चे आए वैसे आप बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत हेल्दी भी है, इजी भी है बनाना इसे, और बहुत कम सामान में, घर के सामान में ही बन के ये रेडी हो जाता है। कभी कभी ना बेटा कॉलेज से छूटता है ना, तभी ही कॉल कर देता है कि मम्मी प्लीज़ कुछ तीखा चटपटा सा बना के रखो, बहुत भूख लगी है, क्योंकि सुबह का जो टिफिन रखती हूँ वो तो फिनिश हो जाता है, बड़ा है तो उसे बहुत भूख लगती है। तो वो बोलता है मम्मी कुछ बना के रखो, या मुझे भी ऐसी झटपट बनाने की रेसिपी रहेगी कि जल्दी बना लूँ, मुझे भी भूख लगी है। तो नाश्ते में मैं ये तैयार कर लेती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी है, हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स, और कुछ नया नया बनाने का मन करता है। तो कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।